अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी। तो आए चलें हम आपको सिखाते हैं भिंडी गोश्त। तो चलते हैं किचन की तरफ फटाफट से और आपको दिखाते हैं कि आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने भिंडी गोश्त कैसे बनाया है। तो बस स्टार्ट करते हैं, किचन में आ गई हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आ गई हूँ मैं किचन में, मैंने खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर ली है। तो सबसे पहले एक पतीले के अंदर मैं लूँगी हाफ कप ऑयल, उसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। प्याज जैसे तेल गर्म होगा उसमें प्याज ऐड करूँगी, और ये एक साइज़ मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने। इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे और जितना ही अच्छा ब्राउन होगा उतनी ही अच्छा कलर जो है वो सालन का आता है। अब इसके अंदर देखें मैंने 2 घूंट पानी ऐड कर दिया है ताकि जो है प्याज का जो है फ्राई होने का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाए। और साथ ही मैंने मीडियम चूल्हा कर लिया है, और अब देखें इसको जो है मिक्स करके अब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के जो हैं अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो ये मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और इसके साथ जो है इसको मैं 1 सेकंड के लिए इसको जो है मिक्स करूँगी, और इसके अंदर साथ ही मैं फिर ऐड करूँगी गोश्त। तो ये देखिए मैंने इसको 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लिया है, और उसके बाद इसके अंदर मैं गोश्त ऐड करूँगी। और ये रहा बीफ का गोश्त, तो हड्डी वाला गोश्त था ये, तो ये मैंने लिया है हड्डी और चर्बी के साथ मिक्स। तो मुझे ऐसे ही गोश्त पसंद है, आपको जिस तरह का पसंद हो आप उस तरह ले लें, ये बीफ का गोश्त है। अब मैंने इसके साथ जो है अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 30 सेकंड के लिए अच्छे से भुनाई करके अदरक लहसुन के साथ। इस पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ऐड किए हैं, और ये हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें आ गई थी, तो मैंने कहा चलो जाने दो ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ आप देखें इसको मैं भुनाई करूँगी इसकी, यही कोई 5 मिनट के लिए मैंने इसके साथ थोड़े से मिक्स किया है, भुनाई नहीं मिक्स किया। उसके बाद मैंने हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी जो है वो 1 खाने का चम्मच, और पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, और नमक ऐड किया है मैंने हसबे ज़ायका। अब इसको अच्छे से भुनाई करेंगे फिर से। और ये देखिए हरी मिर्चें जो मैंने 8 से 7 हरी मिर्चें ली थी, इसको इमाम दस्ते में कूट लिया था। मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा रखती हूँ जबकि पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल कम रखती हूँ। फिर देखें इसकी भुनाई इतनी अच्छी भुनाई कर ली है कि टमाटर अच्छे से घुल चुके हैं, बिना पानी डाले मैंने इसकी भुनाई की है स्लो आँच पर। तो इसकी अच्छे से भुनाई होने के बाद ये 3 जो है मैं ग्लास है ये पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, 3 कप कहेंगे इसको। तो ये 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड करके चूल्हा जो है वो कवर कर दिया है, पतीले को कवर अच्छे से कर दिया है। इसके बाद अब ये देखें आप अच्छे से गोश्त गलने के बाद जो है मैंने इसको चेक किया है, तो देखें अभी आपको दिखाती हूँ। ये चेक कर लिया हमने तो गोश्त अच्छे से गल गया था, तकरीबन ये 1.5 घंटे में गोश्त गला था। और अब जिसकी भुनाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 ग्लास पानी ऐड किया था उसी के अंदर ही मैं ये भिंडी काट के डाल दूँगी। भिंडी के बड़े पीसेस रखेगा वरना भिंडी घुल जाएगी जल्दी से। तो ये देखें आपको शोरबा रखना, आप शोरबा रखें, आप नहीं रखना चाहते तो आप ना रखें, लेकिन मुझे रखना था। तो आप चाहे भुनी हुई भिंडी बना लें, आप बिल्कुल शोरबा जो उसका ड्राई कर लें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही जो है 1 कप जो है इसमें मैंने दही ऐड किया है, इसको फेंट लिया है दही को, और मैंने इसमें 1 कप दही ऐड किया है। अब इसी दही वाले प्याली से जो है मैंने इसके अंदर जो है वो 1 प्याली जो है पानी ऐड करने वाली हूँ। ये देखें पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, अब बस और कोई पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे शोरबा चाहिए था, ग्रेवी चाहिए थी। तो अब ये देखें, और मैं एक चीज़ इसमें मिस हो गया है, पिसा हुआ धनिया, वो भी मैंने इसमें ऐड किया था तो वो स्किप हो गई है वीडियो में, तो वो जो है ना आप डाल लीजिएगा जो है 1 टीस्पून जो है आप जो है पिसा हुआ धनिया ऐड करिएगा। अब देखिए इसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है, तो बस मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और ये पुदीना, तो ये पुदीना के जो पत्ते हैं मैंने बारीक बारीक कैंची से इसको कट कर लिया है, सीज़र से कट करके। जितना आपको टेस्ट पसंद है आप उस अकॉर्डिंग डालें, तो मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इस हिसाब से ऐड किया है। तो बहुत बारीक बारीक मैंने डंडी के साथ, और डंडी जब आप उसके सीज़र से कट करेंगे तो डंडी जो है वो इसी के अंदर इस जो है वो ऐड हो जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू देती है।
बस फिर मैंने इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाया है, ज़्यादा नहीं, ताकि भिंडी गल जाए। बस 15 मिनट में भिंडी गल चुकी थी, मीडियम आंच में पकाया था मैंने। और ये देखिए आपके सामने बिल्कुल भिंडी गुली नहीं है, टूटी नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और ये देखिए साबित साबित है आपके सामने। तो बस इसमें और मैं हरी मिर्ची वगैरह कुछ ऐड करने वाली नहीं हूँ, बस गरम मसाला पाउडर ऐड करने वाली हूँ। इसके अलावा इस स्टेप पे ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। ये कैमरा बहुत हिल रहा था क्योंकि इस टाइम जो है थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था मुझसे मेरे हाथ की कोनी से। तो ये देखें अब इसका फाइनल ये हो गया है तैयार। तो मैं आपको इसमें फाइनल आपको लुक दिखाती हूँ इसका कि कितना मज़ेदार ये बना है। आई होप कि आप ये रेसिपी ट्राई करें और मेरी जितनी भी मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से तो बहुत टेस्टी बनेगी। भिंडी गोश्त रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त यमी। ये देखें आप बहुत भिंडी देखें, बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है भिंडी। आई होप कि आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके जो है ये भिंडी गोश्त का सालन बनेगा। तो बस चलते हैं ये भिंडी गोश्त जो है लेके चलते हैं दस्तरखान पे। तो अब ये देखें निकालते हैं सालन। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई, और अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को जो है ना लाइक किया जिन्होंने, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें वीडियो को, और बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।